दोस्तों अभी के टाइम पे मोबाइल कंपनी ब्रांड 25,000 के बजट में धड़ाधड़ काफी सारा फोन लॉन्च कर रहा है, जिसके कारण से हमें कोई अच्छा स्मार्टफोन लेना होता है तो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि कौन सा फोन लेना चाहिए, कौन सा फोन बेस्ट फोन है। मतलब ज्यादा फोन है तो कंफ्यूजन क्रिएट तो होगा ही, आपको इधर उधर भटकने की और टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने 25,000 के बजट में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को अपने लिस्ट में रखा है, आप इस मंथ में खरीद पाएंगे, जिसमें इस बजट के अकॉर्डिंग कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी वगैरह सब कुछ एकदम टॉप नॉच का मिलेगा। और इन सभी फोन्स के छोटी सी बड़ी स्पेसिफिकेशन को डिटेल्स में बताएंगे आज के इस वीडियो में, एंड हाँ, प्रोज एंड कॉन्स की भी बात करते चलेंगे। अगर आप वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो को। दोस्तों आपको डिसीजन लेने में आसानी हो इसीलिए मैंने सभी फोन को रैंक कर दिया है। 5 नंबर वाले फोन से स्टार्ट करेंगे और घटते घटते नंबर 1 तक जाएंगे। खैर लिस्ट के 5वें नंबर पे आता है मोटो की तरफ से मोटरोला एज 50 फ्यूजन। दोस्तों 25,000 के अंडर में स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आने वाला यह एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, और इस बजट के अकॉर्डिंग इस फोन में सभी स्पेसिफिकेशन वगैरह काफी टॉप नॉच का मिलेगा। खैर क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, आइए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो हमेशा की तरह पहले स्टार्ट करते हैं डिस्प्ले से ही। तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस कर्व पी ओलेड डिस्प्ले मिलेगा। अच्छी बात पता है, इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलेगा। 1200 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है एंड यह एक 10B डिस्प्ले है, और इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो कह सकते हैं कि डिस्प्ले काफी ब्राइट एंड क्लीन मिलेगा, कर्व डिस्प्ले मिल रहा है तो ये और अच्छी बात है। हाँ, तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो दोस्तों इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 13 मेगापिक्सल का है, और सेल्फी कैमरा वो 32 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है एंड उसी में OIS का सपोर्ट मिल जाएगा, और प्राइमरी कैमरा में सोनी लीटिया 700C वाला सेंसर लगा हुआ है, और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 FPS पर। प्राइमरी कैमरा इस फोन का बढ़िया मिलेगा एंड सेल्फी कैमरा वो डिसेंट है। प्रोसेसर की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 वाला प्रोसेसर मिलेगा। ये प्रोसेसर 6nm पर बना हुआ है और लगभग 5,20,000 के आसपास अंतुतु स्कोर है। प्रोसेसर सही मिलेगा एंड स्कोर भी ठीक है। तो अब बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 68 वाट का चार्जर को। ये चार्जर लगभग 15 मिनट में 0 से 50% चार्ज करके दे देगा आपके फोन को, और 5000mAh का बैटरी मिल रहा है तो बैकअप भी सही मिल जाएगा। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 12GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। बिल्ड क्वालिटी की बात करते चले तो इस फोन का बैक साइड वो इको लेदर का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 7.9mm का थिकनेस है एंड 175g इस फोन का वेट है। तो थिन एंड लाइट वेट सा फोन है, डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में सही लगता है। इसमें स्टूडियो स्पीकर्स मिलेगा बट कोई भी जैक नहीं है। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिल जाएगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। दोस्तों ये वाटरप्रूफ फोन है, यानी कि IP68 रेटिंग के साथ आता है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फोन प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है, जिसके कारण इस फोन में एक भी ब्लॉटवेयर, एप्स और एड्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। इसमें 3 ईयर तक का मेजर अपडेट एंड 4 ईयर तक का सिक्योरिटी पेच अपडेट मिलेगा, ये चीज बढ़िया है। अब बात करते हैं इस फोन का प्राइस का। तो दोस्तों ये फोन 2 वेरिएंट में आता है। 8128 के लिए फिलहाल के टाइम पे 23,000 रुपया देना होगा, और 12256 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 25,000 रुपया देना होगा। तो 25,000 के अंडर में आने वाला यह एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट के 4th नंबर पे आता है नथिंग की तरफ से नथिंग फोन 2A। दोस्तों अगर आपको 25,000 के अंडर में यूनिक डिजाइन के साथ आने वाला फोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। स्पेसिफिकेशन वगैरह तो बढ़िया मिलेगा, खास करके ये फोन डिजाइन वाइज काफी अट्रैक्टिव लगता है। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, आइए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो इसमें 6.7 इंच का फुल HD प्लस फ्लेक्सिबल AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का सैंपलिंग रेट मिलेगा। 1300 नीट्स का पीक ब्राइटनेस है और इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा, और हाँ यह एक 10B डिस्प्ले है। तो गाइस डिस्प्ले इस फोन का काफी सही मिलेगा, काफी ब्राइट एंड क्लीन है। तो अब कैमरा की बात करते चले तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। दोनों कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, एक मेन कैमरा है एक अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और बात करें सेल्फी कैमरा का तो वो 32 मेगापिक्सल का है। तो कैमरा इस बजट के अकॉर्डिंग सही मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का। तो इसमें MediaTek Dimensity 7200 Pro वाला प्रोसेसर
पर मिलेगा। 4nm पर बना हुआ यह प्रोसेसर है और लगभग 7 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। नो डाउट प्रोसेसर काफी पावरफुल मिलेगा और स्कोर भी काफी बढ़िया है। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 45W का चार्जर को। लगभग 22-23 मिनट में 0-50% चार्ज करके दे देगा और लगभग 1 घंटा में 0-100% चार्ज करके दे देगा, तो इस चीज को ठीक ठाक कह सकते हैं। इसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करेंगे तो ये फोन प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 190 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.5mm का थिकनेस है। खास करके डिजाइन जो है इस फोन का बिल्कुल अलग है, जिसके कारण से काफी लोगों को पसंद भी आता है, काफी सारे लोगों को पसंद नहीं भी आता है। खैर इस चीज को आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। इसमें 3.5mm वाला जैक नहीं मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर है एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन नथिंग ओएस 2.5 के साथ आता है, जो कि ये रन करता है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 14 पर। इसमें 3 ईयर तक का मेजर अपडेट एंड 4 ईयर तक का सिक्योरिटी पेच अपडेट मिलेगा और गाइस इसमें IP54 का रेटिंग भी है। तो फिर आइए फाइनली बात कर लेते हैं इस फोन का प्राइस का। तो ये फोन टोटल 3 वेरिएंट में आता है। 8128 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 24,000 रुपया देना होगा फ्लिपकार्ट पर, और 8256 वाले वेरिएंट का प्राइस 26,000 रुपया है एंड 12256 वाले वेरिएंट का प्राइस फिलहाल के टाइम पे 28,000 रुपया है। तो 25,000 के अंडर में आने वाला यह एक अच्छा बढ़िया फोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। खैर अब चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो अपने लिस्ट में 3rd नंबर पे आता है पोको की तरफ से पोको X6 Pro 5G। दोस्तों अगर आपको 25,000 के अंडर में स्पेशल गेमिंग फोन चाहिए तब आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। जी हाँ, परफॉर्मेंस इस फोन का काफी हैवी लेवल का मिलेगा। इसके अलावा भी सारा स्पेसिफिकेशन वगैरह बढ़िया है। खैर ये फोन क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, आइए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो इस फोन का बैक साइड वो इको लेदर का बना हुआ है एंड प्लास्टिक का ही फ्रेम है। 190 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.3mm का थिकनेस है। इसमें 3.5mm वाला जैक नहीं मिलेगा, डुअल स्पीकर्स मिलेगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर है एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। IP54 का रेटिंग मिलेगा और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन हाइपर ओएस के साथ आता है, जो कि ये रन करता है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 14 पर। तो अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.67 इंच का 1.5K AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120Hz का ये रिफ्रेश रेट मिलेगा, 1800 nits का पीक ब्राइटनेस है और इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। डिस्प्ले इस फोन का काफी टॉप नोच का मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का। तो दोस्तों इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा। मेन कैमरा 64MP का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8MP का है, थर्ड कैमरा 2MP का है और सेल्फी कैमरा वो 16MP का है। मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाएगा एंड 1.7 का अपर्चर है और आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 24fps पर, और बाकी बात 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 60fps पर, तो कैमरा वो भी सही मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का। तो इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 8300 अल्ट्रा वाला प्रोसेसर मिलेगा। 4nm पर बना हुआ ये प्रोसेसर है और लगभग 14 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। नो डाउट प्रोसेसर काफी पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर भी काफी ज्यादा एंड काफी बढ़िया है, अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहेंगे तो वो भी कर पाएंगे। अब बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 67W का चार्जर को। लगभग 45 मिनट में 0-100% चार्ज करके दे देगा ये चार्जर आपके फोन को। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 256GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। ये इस फोन का बेस वेरिएंट है एंड इसका प्राइस फ्लिपकार्ट पर फिलहाल के टाइम पे 24,000 रुपया है। दोस्तों इस फोन का और एक वेरिएंट आता है 12512, जिसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 26,000 रुपया है। तो 25,000 के बजट में आने वाला यह एक सही स्मार्टफोन है, अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट के 2nd नंबर पे आता है IQOO की तरफ से IQOO G9S Pro 5G। इसके जगह पे आप Vivo T3 Pro 5G को भी ले सकते हैं। दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम है, हाल ही फिलहाल में ये फोन लॉन्च हुआ है एंड इस बजट के अकॉर्डिंग इस फोन में सभी स्पेसिफिकेशन वगैरह काफी टॉप नोच का मिलेगा। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, आइए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। तो बैक साइड इस फोन का ग्लास और वीगन लेदर का बना हुआ है। 7.5mm का थिकनेस है एंड 185
45 ग्राम इस फोन का वेट है। तो थिन एंड लाइट वेट सा फोन है, दिखने में ये फोन काफी अट्रैक्टिव लगता है, मतलब काफी खूबसूरत सा है ये फोन। तो बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन वगैरह के मामले में ये फोन काफी टॉप नॉच का है। इसके अलावा इसमें 3.5mm वाला जैक नहीं मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर है एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट तो होगा ही। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन फनटच 14 के साथ आता है, जो कि ये बेस्ड है एंड्रॉइड 14 पर। और हाँ, इसमें 2 ईयर तक का मेजर अपडेट मिल जाएगा, तो ये चीज ठीक है। IP64 का रेटिंग भी है। तो अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.7 इंच का 3D कर्व एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, जो कि पंच होल डिस्प्ले है। इसमें 120Hz का हायर रिफ्रेश रेट मिलेगा एंड 2000Hz का टच सैंपलिंग रेट है और 4500 nits का पीक ब्राइटनेस भी है। तो डिस्प्ले काफी ब्राइट एंड क्लीन मिलेगा, कर्व डिस्प्ले मिल रहा है तो ये और अच्छी बात है। और हाँ, इसमें HDR10+ का सपोर्ट भी है। तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन काफी लाजवाब का है। अब बात करते हैं इस फोन का कैमरा का, तो इस फोन के बैक साइड 2 कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा वो 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। और सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो वो 16 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाएगा एंड 1.8 का अपर्चर है। आप पीछे का कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 60fps पर, और फ्रंट कैमरा से केवल 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे केवल 30fps पर। नो डाउट प्राइमरी कैमरा काफी बढ़िया मिलेगा, खास करके डे लाइट में काफी तगड़ा परफॉर्म करता है, बट सेल्फी कैमरा को डिसेंट कह सकते हैं। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वाला प्रोसेसर मिलेगा। गाइस, ये प्रोसेसर 4nm पर बना हुआ है और लगभग 800,000 के आसपास अंतुतु स्कोर है। दोस्तों, प्रोसेसर जो है ना काफी ज्यादा पावरफुल मिलेगा और स्कोर भी सही है, तो परफॉर्मेंस इस फोन का काफी हैवी लेवल का मिलेगा। और वैसे भी IQ जो है ना वो परफॉर्मेंस वगैरह के लिए जाना जाता है। अब बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5500mAh का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 80W का चार्जर को। ये चार्जर आपके फोन को लगभग 20 मिनट में 0-50% चार्ज करके दे देगा। और 5500mAh का बैटरी मिल रहा है तो बैकअप भी अच्छा खासा मिल जाएगा। बात करेंगे रैम स्टोरेज का, तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। दोस्तों, ये इस फोन का बेस वेरिएंट है एंड इसका प्राइस फिलहाल के टाइम पे 25,000 रुपया है। ऐसे भी इस फोन का और भी वेरिएंट आता है, जैसे 8256 के लिए 27,000 रुपया देना होगा और 12256 के लिए फिलहाल के टाइम पे 29,000 रुपया देना होगा। तो 25,000 के बजट में आने वाला यह एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो फिर चलिए वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। अब तो लिस्ट में आखिरी एंड सबसे बेस्ट स्मार्टफोन आता है रियलमी की तरफ से, रियलमी GT 65G। फिलहाल के टाइम पे इस फोन का प्राइस थोड़ा सा ज्यादा जरूर है, बट इस बजट में आने वाला यह एक अच्छा ऑलराउंडर सा बेस्ट स्मार्टफोन है। तो क्या कुछ इस फोन में मिलेगा, क्या स्पेसिफिकेशन के साथ ये फोन आता है, आइए देखते हैं एकदम डिटेल से। तो पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से ही। वैसे ये फोन प्लास्टिक बॉडी के साथ आता है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 191 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.7mm का थिकनेस है। वेट और थिकनेस एवरेज सा है, डिजाइन वाइज ये फोन दिखने में सही लगता है। और वैसे भी डिजाइन वगैरह को देख लीजिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, सबका अपना अपना चॉइस होता है। इसमें 3.5mm वाला जैक नहीं मिलेगा, स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाएगा। सिक्योरिटी के लिए इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा एंड फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो ये फोन रियलमी UI 5.0 के साथ आता है, जो कि रन करता है लेटेस्ट सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड 14 पर। गाइस, इसमें IP65 का रेटिंग भी मिलेगा। तो अब डिस्प्ले की बात करेंगे तो इसमें 6.7.8 इंच का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो कि कर्व डिस्प्ले है। इसमें 120Hz का हाई रिफ्रेश रेट एंड 6000 nits का पीक ब्राइटनेस है, बट 1600 nits का हाई ब्राइटनेस मोड है। ब्राइटनेस काफी ज्यादा है, अगर आप इस फोन को सनलाइट वगैरह में यूज करेंगे तो वहां पे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो डिस्प्ले के मामले में ये फोन काफी बढ़िया है एंड काफी ब्राइट एंड क्लीन है। इसके बाद कैमरा की बात करेंगे तो इस फोन के बैक साइड 2 ही कैमरा मिलेगा। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकेंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8 मेगापिक्सल का है। और सेल्फी कैमरा की बात करेंगे तो वो 32 मेगापिक्सल का है। मेन कैमरा में OIS का सपोर्ट मिल जाएगा एंड 1.9 का अपर्चर है। और आप आगे पीछे दोनों ही कैमरा से 4K तक की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30fps पर एंड 60fps पर। हाँ, कैमरा इस फोन का सही मिलेगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस का, तो दोस्तों इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7+Gen 3 वाला प्रोसेसर मिलेगा। 4nm पर बना हुआ यह प्रोसेसर है और लगभग 14.5 लाख के आसपास अंतुतु स्कोर है। नो डाउट प्रोसेसर पावरफुल मिलेगा एंड स्कोर भी
काफी ज्यादा एंड काफी बढ़िया है। अगर आप इस फोन में गेमिंग वगैरह भी करना चाहेंगे तो वो भी कर पाएंगे। बैटरी की बात करेंगे तो इसमें 5500 एमएच का बैटरी मिलेगा और ये सपोर्ट करता है 120 वाट का चार्जर को। लगभग 10 मिनट में 0 से 50% चार्ज करके दे देगा ये चार्जर आपके फोन को, और बैकअप भी सही मिल जाएगा, तो चार्जर काफी बढ़िया है। रैम स्टोरेज की बात करेंगे तो इसमें 8GB का रैम एंड 128GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। वैसे इसका प्राइस अमेजोन पर लगभग 30,000 के आसपास में है, बट अगर आप इस फोन को बैंक ऑफर वगैरह लगाकर खरीदेंगे तो आराम से 26,000 के आसपास में मिल जाएगा। या नहीं तो अभी सेल वगैरह भी आने वाला है, उसमें इस फोन का प्राइस 100% घटेगा। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं। और गाइस, वैसे भी इस वीडियो में मैंने 25,000 के आसपास में आने वाले 5 सबसे बेस्ट स्मार्टफोन को बता दिया है, तो अब आप अपने बजट एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनमें से किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ।